जब हम योगा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आसन आता है। हम प्राणायाम की तरफ सोचते ही नहीं है, लेकिन दिमाग को सेंटर करने के लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। प्राणायाम का राजा जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये आप कैसे इसको वॉर्टेक्स ब्रीदिंग की तरह यूज कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए एक नॉस्ट्रल बंद कर एक से इनहेल करेंगे टिल द काउंट ऑफ 13, बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरीके से 13 के काउंट पर इनहेल करना रोकेंगे, पेट फूलना चाहिए, स्टॉप 13 के काउंट तक स्टॉप, ना सांस अंदर ना सांस बाहर, और दूसरे नॉस्ट्रल से धीरे धीरे 13 के काउंट पर सांस बाहर। ऐसे ही 13, फिर 8, 8 काउंट्स पे इनहेल, 8 काउंट्स पे स्टॉप, 8 काउंट्स पे एक्सहेल। जिससे सांस बाहर छोड़ेंगे उसी नोज के साइड से, उसी नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेंगे। 13, 8, 5, 3, 2, 1, 13, 8, 5, 3, 2, 1। इस रेशियो पे इनहेल एक नाक से, पॉज, पेट में सांस रुकना है, एक्सहेल, फिर जहां से छोड़ा सांस वहीं से सांस अंदर। इस तरीके पर दो बार कर लेने से आपकी बॉडी में गोल्डन रेशियो सेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉर्टेक्स ब्रीदिंग। राजाओं का राजा प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेकिन इसको सही टेक्निक से करेंगे तो ये मैजिकल रिजल्ट देगा। आपके ब्रेन की अलाइनमेंट, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ गायब कर देगा। इट इज सो मैजिकल। योगा डे पे आसन के साथ साथ प्राणायाम भी करें और आपको अपने अंदर, अपने सोचने के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर एक मेजर इफेक्ट दिखने लगेगा।